अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। लेकिन वो एकजुट एक छत के नीचे क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका क्या विशेष कारण है? उसका कारण ये, पहले भी 2008-09 तक स्थिति बहुत अच्छी रही, बीच में इन लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको, कि जाति और धर्म की ऐसी राजनीति फैलाते हैं कि हमारे लोग जो है, ठीक है, उसमें ना पढ़ने की बजाय, ठीक है, वो चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार चलो क्यों हम इनके झगड़े में पड़े, हमने अपने बच्चे पालने, हमारे लोग इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं है, ठीक है, कि इनसे टक्कर ले सके, इनसे लड़ सके, चार दिन छुट्टी लेंगे और ताकत के साथ अपनी बात रख सके, ऐसे लोग नहीं है। सब लोग रोजी छोटी रोजी रोटी कमाने खाने वाले लोग हैं, वो अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों की सुरक्षा के मारे चुप हो जाते हैं, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इस बार ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, गठबंधन बहुत ताकत से लड़ रहा है, हम लोग बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। मैं अपने सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं डरना है, पूरी ताकत से लड़ना है और इस बार हम संविधान वाली सरकार बनाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा साहब की जन्म शताब्दी का ये महीना है, इस महीने में हमने इस बार बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, वैसी ही सरकार बनानी है। राजवीर जी, हर एक व्यक्ति चाहता है, जो वोटर है वो ये चाहता है कि जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो राजवीर जी लड़े, चाहे कोई भी कैंडिडेट लड़े, वो उनके घर तक पहुंचे, जबकि विधानसभाएं जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाएंगे आप? क्योंकि हर एक वोटर चाहता है, क्योंकि उसके दिल में रहता है कि हमारे यहाँ तो आए नहीं, ये अधिकतर समस्या रहती है, तो आप कैसे इस चीज़ को पूरा करेंगे, बाइक से, कार से, या किस तरीके से डोर टू डोर कंपेन करेंगे, किस क्या करेंगे वो बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सब जगह मेरे लोगों में पहुँच चुका हूँ, ये जो भी आदमी अफवाह फैला रहा है वो गलत फैला रहा है कि जो है हमारा कैंडिडेट पहुंचेगा नहीं। पहली बात है मैं कैंडिडेट ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो सिपाही है, ठीक है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सबके पास जाए, मेरे संगठन के लोग हैं उनके साथ में जाता हूँ, मैं अकेला भी जाता हूँ, मेरे लोगों को मेरे को फोन आते हैं तो मैं वहाँ पर भी जाता हूँ, बहुजन समाज के हर आदमी के पास पहुँचाऊँ, सर्व समाज के पास पहुँचाऊँ, जितने लोग हैं सबके पास पहुँचाऊँ, चाहे वो मोमडन समाज से हो, चाहे वो हमारे बहुजन समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, गुजर समाज से हो, हमारे उत्तरांचल से हो, उत्तराखंड से हो, सब लोगों के पास गया हूँ, एक भी इलाका या एक आदमी ऐसा नहीं जिससे राजवीर सिंह नहीं मिला, सबसे मिला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।